से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। एबीवीपी के कार्यकर्ता महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में मार्च निकाल रहे थे, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने एक रस्सी बांधकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हो गई और वो पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान कई लड़कियां सड़क पर भी गिर गईं। पुलिस फिर इनको रोकने की कोशिश कर रही है और इसके बाद ये चौथी दफा ये सैलाब को रोकने की पुलिस कोशिश कर रही है, ये पुलिस, लेकिन ये किसी भी हाल में रुक नहीं रहे। एबीवीपी के इस प्रदर्शन में कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लड़कियों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई गई, साथ ही और कड़ा कानून बनाने की मांग की गई। जरूरत है समाज में लोगों का मन बदलने की, आज जरूरत है कानून को और अधिक कड़ा करने की, आज जरूरत है महिला को निर्भया बनाने की। हैदराबाद में हुए इस प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम भी लग गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एबीवीपी के इस प्रदर्शन में हैदराबाद के अलावा दूसरे शहरों से आए लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर राज्य सरकार का विरोध किया और ढपली बजाकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में शामिल लड़कियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जबकि स्कूली बच्चों ने पुलिस पर आरोपियों की खातिरदारी करने के आरोप लगा दिए। मार्च निकालने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना भी दिया। हैदराबाद में डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के विरोध की तस्वीर दिल्ली में भी दिखी, जहां जंतर मंतर पर हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने केंद्र सरकार से रेप जैसी वारदात पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की और बड़ी तादाद में सड़क पर जुटकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे वहां ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसे में पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी और छात्रों को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां ली हुई थीं, जिनके जरिए हैदराबाद की गैंगरेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। हैदराबाद में गैंगरेप के बाद हत्या की घटना से गुस्साए छात्रों ने आरोपियों को सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए, जिन्होंने अपने माथे पर काली पट्टियां बांधी हुई थी और हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, जिनके जरिए छात्रों ने महिलाओं का सम्मान करने की मांग की। निर्भया गैंगरेप दिल्ली में हुआ था, उस वक्त भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको जंतर मंतर पर नजर आई थी और आज कुछ वैसी ही तस्वीर आपको एक बार फिर जंतर मंतर पर नजर आएगी, क्योंकि लगातार गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। देश में लगातार बढ़ रही गैंगरेप की घटनाओं से परेशान एक छात्रा विरोध प्रदर्शन के दौरान भावुक भी हो गई। हम हमारी बहन या मेरी छोटी बहन कोई भी गुस्साए छात्रों ने आरोपियों को ऐसी सजा देने की मांग की जो हर आरोपी के जहन में डर बैठा दे। जिस तरीके से उसकी बेटी को जलाया गया है उसको भी जलाया जाए।